नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन में आगरा से आई हुई स्लैम स्टार डांस एकेडमी ने गरीब निर्धन बच्चों के लिए एक नई प्रतिभा खोजने का अभियान चलाया। उनके अंदर होनहार प्रतिभा को पहचानने के लिए समाज सेवी वीरेंद्र गौतम, मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 50 के पार्षद रश्मि शर्मा और बॉलीवुड से आए हुए कोरियोग्राफर देवराज और उनकी समस्त टीम ने कुछ नया करने की ठानी और उन बच्चों में उस प्रतिभा को खोजने का प्रयास किया जिसे वह गरीबी के कारण छिपाए बैठे थे। जो दो टाइम की रोटी जुटाने के लिए उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उनको शिक्षा देने में भी असमर्थ हैं। आज जब इन सभी सहयोगियों के द्वारा इन बच्चों के ऑडिशन लिए गए और उन्हें आगे पहुंचाने के लिए अपने हुनर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई, जिसमें पार्षद रश्मि शर्मा ने अपने सहयोग की भावना उत्पन्न की और कहा, जहां तक मेरा प्रयास है मैं बच्चों के लिए आर्थिक मदद करने के लिए भी तैयार हूं। और आज जब हम बच्चों के माँ बाप को देखते हैं कि इनके मन में खुशी की लहर दौड़ रही है, ये अद्भुत नजारा देखकर हमें अत्यंत सुखद अनुभूति होती है। आज बच्चों का ऑडिशन लेने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे तो बहुत हैं, संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन मुझे और भी काम है, तो आज बच्चों का 50 बच्चों का ऑडिशन होंगे और फिर नेक्स्ट ऑडिशन रखेंगे उसके बाद। तो आपको लगता है ये बच्चे सीख पाएंगे? तो बच्चों का डांस देखने के बाद ही बता सकता हूँ मैं। तो अभी 50 बच्चों का ऑडिशन हो गया? नहीं, होगा, अभी स्टार्टिंग होगी। तो इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन लोगों को आपने पूछा किस तरीके से समझाया, उन्हें मोटिवेट कैसे किया? मोटिवेट इसलिए किया कि ये बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते रहते हैं। उन पेरेंट्स को ये बहुत बताया गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसा मौका मिल रहा है ताकि आपका बच्चा कहीं से भी कहीं आपका नाम कर सकता है। तो ये बच्चे, आपका नाम क्या बेटा? डांस सीखकर क्या करेंगे बच्चे? तो पढ़ोगे भी और डांस भी सीखोगे? यस। ये कार्यक्रम वीरेंद्र जी ने आयोजित किया, मुझे देख के बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई कि मेरे क्षेत्र के बच्चे बहुत एक्टिव और इस तरह से आगे बढ़ते। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का नाम आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। तो हम भी प्लान कर रहे हैं, आगामी हो सकता है एक महीने के लिए इन बच्चों को हम आगे डांस के लिए तैयार करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको एक बड़ा मंच दिया जाए ताकि ये भी इनकी भी प्रतिभाएं बाहर निकल। पोटेंशियल बहुत है आजकल के बच्चे, आप देखेंगे बहुत उस क्षेत्र के बच्चे हैं जिन बच्चों के माता पिता के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन टीवी के माध्यम से देख कर वहाँ से जिस तरह का डांस इन बच्चों ने दिखाया है, मुझे लगता है अद्भुत। और यदि यही इन प्रतिभाओं को थोड़ा सा पॉलिश किया जाएगा, थोड़ा सा इन्हें अच्छे से देवराज जी का इनके साथ मिलेगा, तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि इनको एक बहुत अच्छा मंच आगे मिलने वाला है। आगे मैं तो हमेशा हूँ, मैं तो सहयोग के लिए हर तरीके से अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ हूँ। और यहाँ पर जब बात मेरे बच्चों की आ रही है तो मैं बढ़ाने के लिए हर शत प्रतिशत रूप से हर समय बच्चों के साथ। लेकिन मेरा मानना है मैं उन्हीं बच्चों को दे सकता हूँ जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे सच्चे मन से दिल से इस चीज़ में लगन लगा के काम करते हैं। क्योंकि अगर मैं हर बच्चे को ये सब दूंगा तो बच्चे हार भी जाएंगे और मैं उनके बीच कर पाऊँ तो बच्चों को, तो मैं उन्हीं बच्चों को बाहर निकालना चाहता हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, आज पीढ़ियों में से सीख रहे हैं, उनके पास कोई सिखाने के लिए टीचर नहीं है, तो मैं उनको वहाँ तक प्रोवाइड करूँगा। एक्चुअली मथुरा में वीरेंद्र भैया से कॉन्टेक्ट हुआ और उनकी बहुत सारी तमन्ना थी कि ऐसे बच्चों के लिए काम करना, तो उनको हमारे फेसबुक के माध्यम से मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने मेरे काम के बारे में देखते रहते हैं फेसबुक पर, जो आगे कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस काम के लिए मुझे कॉन्टेक्ट किया।
कि ये भी चाहता था वही और ये भी चाहते थे उन्होंने मिलकर दोनों को जैसा करें कि बच्चों को बाहर निकाला। और यही नहीं, गांव-गांव में जाके भी ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को बाहर लेकर आऊँगा। मैं ये तो नहीं कहता उन्हें टी वी पर पहुँचूँगा, लेकिन इन बच्चों को इतना बना दूंगा कि हाँ ये बच्चे खुद में भी टीचर बन सकते। मैंने बॉलीवुड शो में एल्बम हरियाणा शो में काम किया हुआ है, बाकी दिल्ली में जजमेंट किया हुआ है, काफ़ी सारे शो किए हैं दिल्ली में, जैसे कि छोटे स्टार रोजस्टार गिनर जा चुका हूँ मैं काफ़ी शो का। और अभी 5 साल से मैं डांस कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, अभी 1 साल से मैंने ये संस्था का उद्घाटन किया है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों के माध्यम से काफ़ी लोगों को उसको सीखने के लिए, मेरे जैसे जो कोरियोग्राफर हैं दूर दूर तक ये बात जाएगी, ऐसे बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पैसे वाले तो सीख ही लेंगे कहीं ना कहीं सीख ही लेते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटी होती है, LED TV मिल जाती है, कंप्यूटर मिल जाता है, बड़े फोन मिल जाते हैं उनको, लेकिन बच्चों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक चैनल आता है वो भी हरियाणा से, ताकि वो बच्चे बस इन्हीं शो पर डांस करते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को ये मौके मिले तो सही, किसी को मौका नहीं देंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा वो कमजोर है या